मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आदरणीय अभिभावक बंधुओं एवं प्यारे बच्चों, आप सभी को जानकारी है कि स्कूल में ऑनलाइन क्लासें चल रही थीं। जैसा कि इस महामारी के कारण बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, स्कूल बंद हैं और सरकार के द्वारा आदेश भी प्राप्त थे कि सभी बच्चों को ग्रुप से, वीडियो से, ऑनलाइन, जैसे भी स्कूल व्यवस्था कर सकता है उन माध्यमों से पढ़ाया जाए। हमने भी बहुत प्रयास किया बच्चों को जोड़ने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, यूट्यूब चैनल बनाए, यूट्यूब चैनल के द्वारा वीडियो भेजी जा रही थी, उनको भी जो हैं पूरा तरीके से वीडियो बना करके भेजा गया। किंतु उसमें जो बात सामने आती है वो ये आती है कि कुछ बच्चों ने ऑनलाइन क्लासों को बहुत अच्छे तरीके से अटेंड किया, क्योंकि वे पर्सनल नंबरों पर मोबाइलों से या स्कूल में किसी भी प्रकार से कॉन्टैक्ट करते थे और जो भी प्रॉब्लम हो जाती थी टीचर्स के द्वारा उनको पूरा करवाया जाता था, उनके कंप्लीट कराई जाती थी, कोई भी परेशानी बच्चों को ना रहे, वो सभी बातें सुनिश्चित की गई थीं। उसके साथ साथ कुछ विद्यार्थी ऐसे रह गए, या तो बुक्स के कारण, या नेट प्रॉब्लम, मोबाइल प्रॉब्लम, एंड्रॉयड फ़ोन न होने के कारण कि वो इन ऑनलाइन क्लासों को अच्छी तरह से अटेंड नहीं कर पा रही हैं और परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। किंतु स्कूल ने अपने स्तर पर प्रयास किए और ऐसे बच्चों का जिनके पास बुक्स नहीं थी, या बुक्स के साथ साथ एंड्रॉयड फ़ोन की व्यवस्थाएं नहीं थी, मोबाइल नेट इत्यादि की व्यवस्था नहीं थी, उनके भी हमने जो है कोर्स पूरे कराने का अभ्यास, कोर्स को पूरा कराने का प्रयास किया है और बराबर स्कूल और स्कूल के अंदर टीचर्स ये इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि सभी बच्चों के कोर्स कंप्लीट करा दिए जाएं। जब तक कि हमने स्कूल के माध्यम से या नेट के माध्यम से, वीडियो से, व्हाट्सएप से जो भी कोर्स उनका पूरा कराया है, आगे भी ये व्यवस्था जारी रहेगी। और इस पढ़ाई के साथ साथ जो स्कूल की व्यवस्था है, पढ़ाई की तो बच्चों की होती ही है, किंतु उसके साथ साथ हमें अपने अभिभावकों को और अपने बच्चों को जो विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं वो सुरक्षित रहें, सुरक्षित के साथ साथ वो इस महामारी से बचे रहें। जो महामारी पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में फैली हुई है, किसी भी प्रकार से ये जो है हमारे पास आ सकती है, उसके भी विद्यालय के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। बार बार बच्चों को सूचनाएं दी जाती हैं, बार बार बच्चों को वो नियम बताए जाते हैं कि जिनसे हम उनके बच्चे या उनके अभिभावक इस प्रकार की परेशानी से या इस बीमारी से बचे रहें। आप सभी को जानकारी है कि इस समय पूरा देश पिछले कुछ दिनों से COVID-19 या कोरोना वायरस, सभी जानते हैं कोरोना वायरस महामारी से लड़ रहा है, बड़े स्तर पर लड़ रहा है। आप देखते होंगे, चाहे हमारे न्यूज़पेपर हैं, टीवी न्यूज़ चैनल हैं, कि किस प्रकार ये महामारी हमारे शहरों में फैली हुई है। इस महामारी से हम कभी भी और किसी भी स्थान पर संक्रमित हो सकते हैं बच्चों। अब तक की जो रिपोर्ट डॉक्टरों की आई हैं, उन रिपोर्ट्स के अनुसार इससे हम इफ़ेक्टिव होने से या संक्रमित होने से तभी बच सकते हैं जब हमारे शरीर के अंदर की जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, या बच्चों जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हम तभी इस महामारी से लड़ सकते हैं। इसकी कोई आज तक दवा नहीं, अभी तक कोई मेडिसिन बाज़ार में नहीं आई है, कोई दवाई अभी उपलब्ध नहीं है, किंतु जो डॉक्टर्स लोग कहते हैं उनके अनुसार अब एक ही बात सामने आती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना इम्यूनिटी सिस्टम, रोगों से लड़ने की क्षमता या अपनी प्रतिरोधक क्षमता अपने शरीर की वो बेहद स्ट्रॉन्ग करनी है, उसको एकदम स्ट्रॉन्ग करना है, उसको एकदम मजबूत करना है, तभी हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। अब हम इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें, इस महामारी से हम कैसे लड़ें,
जिसका हमें यही पता नहीं होता कि कब हम इससे इफेक्टिव हो जाएं, बच्चों कब हम इससे संक्रमित हो जाएं। और ये आप जानते हैं कि एक व्यक्ति के संक्रमित होने से पूरा परिवार बेहद परेशानी से होकर गुजरता है, बेहद परेशानी उस परिवार के सामने आ जाती है। तो ये हमारा दायित्व बन जाता है, स्कूल का दायित्व बन जाता है कि हमारे यहाँ अध्ययनरत जो भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनके साथ साथ उनके अभिभावक हैं, उन अभिभावकों के साथ साथ उनके मिलने जुलने वाले व्यक्ति हैं, वे सभी सुरक्षित रहें। और डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अनुसार वो तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब उनकी प्रतिरोधक क्षमता इस प्रकार के रोगों से लड़ने की बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बहुत अधिक मजबूत। अब हम उसको कैसे मजबूत करें, इस बात को आपको देखना है। जैसा कि बताया गया है कि अब हमें क्या सेवन करना चाहिए, हमारे खान पान कैसे होने चाहिए, बाहर निकलते समय चाहे हम घर से बाहर निकलें, बाज़ार में जाएं, सामान लेने के लिए जाएं, कि आप अब जैसा कि आपको जानकारी है कि अब लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, किंतु कुछ पाबंदियां अभी लॉकडाउन के कारण हम पर लगी हुई हैं, उनका हमें पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। कि हम अगर घर से बाहर निकलते हैं तो हम हमेशा एक बात का विशेष ध्यान रखें कि हम अपने मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग, बच्चों ये सोशल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं 6 फीट की दूरी, हम हमेशा जहां भी बात कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, कहीं हम दुकान पर खड़े हैं, तो हमें 6 फीट की दूरी की अवश्य जानकारी रखनी चाहिए। अगर हम इन दो नियमों का भी पालन करते रहें कि हम बिना मास्क लगाए किसी से बात ना करें, घर से बाहर ना निकलें, और 6 फीट की दूरी सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करते रहें, 6 फीट की दूरी पर हम जो हैं हमेशा खड़े होकर बात करें, सामान खरीदने के लिए जाएं तो हम 6 फीट की दूरी को हमेशा ध्यान रखें, तो भी हम अपने को बचा सकते हैं या इस बीमारी से, इस कोरोना वायरस से अपने आप को इफेक्टिव होने से बच्चों हम बचा सकते हैं। और इससे अधिक जानकारी करने के लिए स्कूल की तरफ से दूसरे प्रयास किए जा रहे हैं, एक सभी बच्चे और उनके अभिभावक अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच ऐप डाउनलोड कर लें। ये भी हमें जो हैं इस बीमारी से बचा सकती हैं। और आरोग्य सेतु ऐप हमें इस बात की जानकारी देती है कि इस तरह की बीमारी हमसे कितनी दूर है, अर्थात इफ़ेक्टिव लोग जो हैं, संक्रमित जो लोग हो चुके हैं, वे हमसे कितनी दूरी पर हैं, तो हम उस स्थान पर जाने से बच सकते हैं। यह आरोग्य सेतु ऐप हमें बचा सकती है उस स्थान पर ले जाने से, और हम अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। आयुष कवच ऐप हमें इस बात की जानकारी देती है बच्चों कि हमें क्या सेवन करना चाहिए इस टाइम, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है, गर्मी चल रही है, हमें किस प्रकार के अपने खान पीन रखने हैं, खाना पीना हमारा कैसा होना चाहिए, हमें किस समय कैसा सेवन करना चाहिए, ये सभी जानकारी आयुष कवच ऐप, जिसका नाम है बच्चों मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आयुष कवच ऐप इस बात की हमें जानकारी देता है। तो सरकार बड़े स्तर पर स्कूलों के माध्यम से, सोसाइटी समाज के माध्यम से, सोसाइटियों से ये अपील कर रही है, सभी टीचर्स प्रिंसिपल बच्चों से अभिभावकों से ये अपील कर रही है कि ये दोनों ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में ज़रूर डाउनलोड कर लें, जिसका नाम है आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच ऐप। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि आरोग्य सेतु ऐप हमें ऐसे सभी संक्रमित व्यक्तियों को की जानकारी देती है जो हमारे आसपास हैं, कितने किलोमीटर पर ये व्यक्ति संक्रमित है, इसकी हमें आरोग्य सेतु ऐप से जानकारी हो जाती है। आयुष कवच ऐप इस समय हमें कैसे अपने को मजबूत करना है, अपने इम्यूनिटी सिस्टम को, अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कैसे हम स्ट्रोंग करें, आयुष कवच ऐप हमें इस बात की जानकारी देती है। तो बच्चों हमें ये दोनों ऐप, बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये हमारी जिम्मेवारी है, सरकार के नियमों को समाज के अंदर फैलाना या उनको जो है एक तरीके से उन नियमों की समाज के अंदर जानकारी देना, ये एक टीचर्स की जिम्मेदारी हो जाती है, एक स्कूल की जिम्मेदारी हो जाती है। तो मैं आपसे बार बार इस बात की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिन बच्चों ने
या जिन अभिभावकों ने अभी आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो आज ही आरोग्य सेतु ऐप आयुष कवच ऐप को डाउनलोड कर लें। सरकार इस चीज़ को इस बात की जिम्मेदारी देती है कि अगर ये ऐप हमारे फ़ोन में हैं तो हम इस प्रकार की महामारी से बच सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना वायरस की मेडिसिन अभी नहीं बनी है और ना ही अभी किसी बाज़ार में उपलब्ध है। दावे बहुत हो रहे हैं किंतु जो सच्चाई है वो ये है कि अभी कोई आधिकारिक मेडिसिन या सरकार की तरफ से जो मेडिसिन उपलब्ध हैं उसमें ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इस कोरोना वायरस की या COVID-19 की जो हम मान के चल सकते हैं। एकमात्र इलाज इसका ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखें, स्ट्रॉन्ग रखें। और इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इसकी सबसे अधिक जानकारी आयुष कवच ऐप के माध्यम से हमें मिल सकती है। तो मैं फिर एक बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सभी छात्र और उनके अभिभावक आज ही आयुष कवच ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ अभिभावक ऐसे हो सकते हैं कि आयुष कवच ऐप वो डाउनलोड नहीं कर सकते हों तो आप किसी भी व्यक्ति की हेल्प ले सकते हैं। हम भी बराबर प्रयास कर रहे हैं, पेरेंट्स के हम पहुंच रहे हैं, पेरेंट्स के पास हम पहुंच रहे हैं, बच्चों से हम व्हाट्सएप माध्यम से, वीडियो चैनल से या अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, उसके साथ साथ हम जो हैं यूट्यूब चैनल जो स्कूल का है SSMIC इसके माध्यम से वीडियो भेज रहे हैं और बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आयुष कवच ऐप जो है उसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें, जिससे हमें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के की पूरी जानकारी जो आधिकारिक जानकारी है वो हमें उपलब्ध हो जाए। जो विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले सभी छात्र हैं और उनके अभिभावक हैं वो पहले भी आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं, दोबारा डाउनलोड करने की इसको आवश्यकता नहीं होती। किंतु एक बार जिन्होंने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लिया है जो हमें संक्रमित व्यक्ति की जानकारी देती है कि संक्रमित व्यक्ति हमसे कितनी दूर है, तो और आयुष कवच ऐप हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने की जानकारी देती है, तो हम उसको अवश्य डाउनलोड कर लें जिससे आप भी सुरक्षित रहें और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, आपके आसपास रहने वाले सभी लोग सुरक्षित रहें। और ये आप जानते ही हैं, अच्छी तरह आपको जानकारी है, न्यूज़पेपर के माध्यम से आप डेली जानकारी इसकी ज़रूर लेते होंगे या अपने मोबाइल से भी आपको जानकारी मिल जाती है। उसके साथ साथ जो हमारे TV चैनल्स हैं उनसे हमें जानकारी हो जाती है कि एक प्रकार से ये कोरोना वायरस या COVID-19 जिसका नाम दिया गया है कोरोना वायरस, इस बीमारी से, इस महामारी से, ये बीमारी नहीं है ये महामारी है, इससे हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये बार बार हम स्कूल या सभी टीचर्स या खुद मैं आपसे ये अनुरोध करते हैं कि आप ये दोनों आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच ऐप को ज़रूर अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें जिससे हमें हर प्रकार की जानकारी मिलती रहे। आप भी सुरक्षित रहें, आपके बच्चे भी सुरक्षित रहें, परिवार भी सुरक्षित रहे और आपके पड़ोसी आसपास रहने वाले लोग भी सुरक्षित रहें। ये स्कूल का बार बार निवेदन है, श्याम सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज ये बार बार आपसे निवेदन करता है कि आप जो हैं इस प्रकार के सभी सरकारी उपक्रम जो सरकार के द्वारा प्रायोजित किए जा रहे हैं उन पर विशेष ध्यान रखें और इस ऐप को अवश्य डाउनलोड कर लें जिससे हम अपने आप को भी सुरक्षित रख सकें और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रख सकें। जहां हम जाते हैं, जहां हम आते हैं, जहां हम बातचीत करते हैं, जिन लोगों से हमारा मिलना जुलना है, वे सभी सुरक्षित रहें। थैंक यू।